हमें शीघ्र अतिशीघ्र रूपनगर की ओर प्रस्थान करना होगा ताकि हम अनराज को खोज सकें। आपने अपना वचन निभाकर हम पर बहुत उपकार किया है बाबा। हमें पूरा विश्वास है हम रूपनगर के जंगलों से वनराज को अवश्य खोज लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो नागराज। राजकुमारी चंद्रमुखी के आने से पहले वो दोनों कभी कभार महल में दिखते थे, किंतु अब वो दोनों सारे दिन महल में इधर से उधर घूमते रहते हैं। राजवीर और नागराज, इन दोनों को भाईजी ने कितना सम्मान दिया, किंतु वे दोनों कितने स्वार्थी निकले। यदि वो दोनों युद्ध छोड़कर नहीं भागते तो आज तुर्केश्वरी हमारे चंगुल में होती। किंतु इसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं है कुंवर। रूपनगर में आपका नाम बहुत ही कुख्यात हो गया है नागराज जी। आप स्वयं को विख्यात समझकर प्रसन्न होने का भ्रम मत पालिए। और रही बात पहचानने की, तो हम ही क्या, कोई भी आपका मुख देखकर बता सकता है कि विषैले नाक के फन और आपके मुख में कोई अंतर नहीं है। अवश्य वो पशु सूर्य प्रताप सिंह को कारागार से छुड़ाने रूपनगर जा रहा है। उसे बल से नहीं, उसे छल से वश में करना होगा। वनराज, सूर्य प्रताप, तुम यहां? हम तो किसी प्रकार रूपनगर के कारागार से भाग निकले और तुम हमें रूपनगर की सीमा के इतने पास मिल जाओगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें सकुशल देख के हमें बहुत प्रसन्नता हुई। अगर तुम कुछ समय पहले आए होते तो तुम्हें दुर्गेश्वरी और तुम्हारा भाई कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह भी मिल जाते। वो अभी अभी रूपनगर की ओर चले हैं। क्या हमारे भाई विजेंद्र प्रताप सिंह दुर्गेश्वरी के साथ वापस रूपनगर पहुंच गए? हाँ कुंवर, विजेंद्र प्रताप सिंह तोसपात से कारागार तक पहुंच भी चुके होंगे जहां से वो कभी भागकर आए थे। हम सब तुम्हें रणवीर सिंह की कारागार से छुड़ाने आए थे, लेकिन तुम तो स्वयं स्वतंत्र होकर आ गए। हम तो स्वतंत्र होकर आ गए हैं, किंतु हमें छुड़ाने आए हमारे भाई विजेंद्र प्रताप सिंह अब वापस रणवीर सिंह के बंधक बना लिए जाएंगे और उनके साथ साथ दुर्गेश्वरी भी बंदी बना ली जाएगी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया। रणवीर सिंह के सैनिक चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। हमने उन्हीं से बचने के लिए ये योजना बनाई थी। अगर हमें से एक भी बंदी बना लिया जाता तो दूसरा इसकी सहायता करने के लिए पहुंच सकता था। और अगर हमें यह मालूम होता कि आप स्वयं स्वतंत्र होकर आ रहे हैं तो हम उन्हें यहीं छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते। अब क्या करें, हमें शीघ्र रूपनगर पहुंचना होगा। क्या आप हमारा साथ दे सकते हैं? इस समय हमें आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। मैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के साथ साथ तुम्हारी सहायता करने के लिए ही निकला था। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिलते तो मैं रूपनगर के कारागार तक भी पहुंच चुका होता। नहीं वनराज, यदि तुम इस दिशा में आगे बढ़ते तो तुम रूपनगर कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तुम रूपनगर की विपरीत दिशा में जा रहे थे। क्या मैं रूपनगर की विपरीत दिशा में जा रहा था और मुझे इस भूल का मालूम ही नहीं चला? तुम ही क्या वनराज, चतुर से चतुर व्यक्ति रूपनगर की भूल भुलैया में भटक कर रह जाता है। अब देर मत कीजिए, हम तुम्हें वापस रूपनगर के कारागार के पास ले चलते हैं, इससे पहले कि रणवीर सिंह के सैनिक हमारे भाई विजेंद्र प्रताप सिंह और दुर्गेश्वरी को वापस बंदी बना ले। हमें तत्काल वहां पहुंचना होगा। चलो चलो।
आओ कुसमी आओ, आओ। दुनिया के महान जादूगर विचित्र सेन के गुप्त स्थान पर तुम्हारा स्वागत है। कहो, आज अचानक ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया कि तुम्हें हमसे मिलने के लिए तत्काल यहाँ हमारे गुप्त स्थान पर आना पड़ा? हुजूर, गुप्त महल में जो नई हलचल मची है उसकी सूचना देना आपको अति आवश्यक था। वो गुप्त महल जहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहाँ अब कुसुमी जिसे चाहे प्रवेश करवा सकती, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी अब गुप्त महल छोड़कर रूपनगर राज्य के महल में जा चुकी है। क्या? क्या तुम सत्य कह रही हो कुसुमी? वर्षों से अज्ञातवास में रहने के पश्चात राजकुमारी चंद्रमुखी गुप्त महल की दीवारों से निकलकर बाहर आ गई है। चंद्रमुखी, हम जानते हैं कुसुमी कि तुम सत्य कह रही हो, परंतु विश्वास नहीं हो रहा कि जिस चंद्रमुखी की एक झलक प्राप्त करने के लिए वर्षों से न जाने हम कितनी ढोंग करते चले आ रहे हैं, अब शीघ्र ही निकट भविष्य में हमें उसके दर्शन हो सकेंगे। अवश्य ही हो सकेंगे, अवश्य ही, क्योंकि रूपनगर के महल में चंद्रमुखी से मिलना अत्यंत ही सरल होगा। आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी जादूगर विचित्र सिंह, और आपको ये जानकर और भी हर्ष होगा कि महाराज ने राजकुमारी चंद्रमुखी को रूपनगर की सत्ता भी सौंप दी। रूपनगर की सत्ता की बागडोर संभालने वाली परम सुंदर राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करना अब आपके लिए और कठिन नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो कुसुमी, अब हम अपनी सारी शक्तियां रूपनगर के राजमहल की ओर झोंक। राजकुमारी चंद्रमुखी जब गुप्त महल में थी तो उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता था, क्योंकि गुप्त महल के सजग सैनिक गुप्त महल की ओर उड़ कर जाने वाले परिंदों को भी तीर मार कर गिरा दिया करते थे। परंतु अब स्थिति बदल गई है और अब हमारे भाग्य के द्वार खुल गए हैं। हाँ जादूगर विचित्र सेन, परंतु बड़ी ही निराशा के साथ हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि इतने वर्षों तक राजकुमारी चंद्रमुखी की सेवा में रहने के बाद भी हम आपको उनकी एक झलक नहीं दिखा सके, क्योंकि यदि गुप्त महल में ये रहस्य खुल जाता कि हम आपके लिए कार्य करते हैं तो हमें जीवित ही गुप्त महल की दीवारों में चुनवा दिया जाता। शांत शांत कुसुमी, शांत। जो नहीं हुआ उसके लिए दुख प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तुमने समय समय पर राजकुमारी चंद्रमुखी के संबंध में सूचनाएं देकर हमारी बड़ी सहायता की है। तुम्हारे द्वारा ही हमें वास्तविक चंद्रमुखी के रहस्य का पता चला था। देखो, अब हमें ये समस्त बातें भूलकर रूपनगर के राजमहल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वहां की राजनीति में क्या हलचल मची हुई है। राजकुमारी चंद्रमुखी के अचानक सत्ता संभालने से उनके शत्रुओं की नींदें उड़ गई है। पता चला है कि उनके कुछ शत्रु या तो रूपनगर छोड़कर भागने लगे हैं या फिर कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए, किंतु रूपनगर की प्रजा अति प्रसन्न है। नहीं, ये तुम असत्य कह रही हो। रूपनगर की प्रजा पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं है। वो तो तब प्रसन्न होगी जब हम रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करके स्वयं को रूपनगर का सम्राट घोषित कर देंगे। वो दिन भी अवश्य आएगा जादूगर विचित्र सेन, किंतु अब
रूपनगर के महल में सेंध लगाना बहुत कठिन है। रूपनगर की सेना को हराकर राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने के लिए आपको कोई ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसका कोई तोड़ ना हो। कुसुमी, हमने एक ऐसी रणनीति बनाई है, ऐसी रणनीति जिसका तोड़ कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तुम जिस प्रकार गुप्त महल में हमारे लिए कार्य कर रही थी, ठीक उसी प्रकार तुम रूपनगर के महल में भी हमारे लिए ही कार्य करोगी। तुम्हें किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण राजकुमारी चंद्रमुखी की सेविका बनना ही होगा और रूपनगर के महल की प्रत्येक गुप्त सूचना हम तक पहुंचानी होगी। जादूगर विचित्र सेन, ये कार्य कठिन तो अवश्य है, किंतु कुसुमी, जादूगर विचित्र सेन के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाएं। हम राजकुमारी चंद्रमुखी की सेविका बनकर रहे, ये हमारा जादूगर विचित्र सेन को वचन है। हम प्रसन्न हुए। कौन राजकुमारी जी की कक्ष की ओर चला रहा है नंदिनी? लगता है कोई नई युवती है। कौन हो तुम? किससे मिलना चाहती हो? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुम दोनों कौन हो? हम दोनों राजकुमारी जी की नई सेविकाएं हैं। अब बताओ तुम कौन हो? हम राजकुमारी चंद्रमुखी जी की विशेष सेविका हैं। गुप्त महल में जब राजकुमारी चंद्रमुखी जी वर्षों तक अज्ञातवास की पीड़ा सह रही थी, तब हमी ने उनकी सेवा की थी। हमारा नाम कुसुमी है। अच्छा अच्छा, तुम राजकुमारी चंद्रमुखी जी की सेविका रह चुकी हो, किंतु तुम्हारा गुप्त महल से यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? कारण बहुत ही सरल है। इतने वर्षों तक राजकुमारी जी के साथ रहने के कारण अब उनके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उनसे भेंट करने आए हैं। हम उनकी सेवा में वापस आना चाहते हैं। किंतु राजकुमारी जी की सेवा करने के लिए हम दोनों ही बहुत हैं। तुम्हें निराश होना पड़ेगा कुसुमी, क्योंकि अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं बचा है। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कदाचित तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि राजकुमारी चंद्रमुखी जी हमसे कितना स्नेह करती है। राजकुमारी चंद्रमुखी जी हमें एक सेविका नहीं अपितु एक सखी की तरह स्नेह करती। तुम दोनों सिर्फ जाकर उनसे हमारा ये संदेश कह दो, बाकी का कार्य हम स्वयं कर लेंगे। उन्हें संदेशा दो कि गुप्त महल से कुसुमी मिलने आई है। ठीक है, हम तुम्हारा संदेशा देकर अभी आते, किंतु ध्यान रखना राजकुमारी चंद्रमुखी जी से भेंट करना बहुत कठिन है। चलो कामिनी। राजकुमारी जी की ये दोनों दासियां बहुत चतुर लगती हैं। इन दोनों से संभल कर रहना होगा कुसुम। जाओ, तुम्हें राजकुमारी जी ने भीतर बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ कुसुमी, तुम रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? रो ही नहीं तो और क्या करे राजकुमारी जी। जब से आप गुप्त महल छोड़कर यहाँ पधारी हैं, गुप्त महल बिल्कुल सोना सोना हो गया है। आपके बिना
वो महल जैसे हमें काटने को दौड़ता है। हमने आपके बिना खाना पीना भी छोड़ दिया है राजकुमारी जी। हम आपके बिना नहीं रह सकते राजकुमारी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में वापस रख लीजिए, अन्यथा हमारे प्राण छूट जाएंगे। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना रोने की क्या आवश्यकता है कुसुमी? यदि तुम हमें इतना चाहती हो तो तुम्हें हम अपनी सेवा में वापस रख लेंगे। राजकुमारी जी, आप महान हैं, दयालु हैं। आपने एक ही बार में हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब हमें जीने का दोबारा एक उद्देश्य मिल गया है। यदि आपने अपने चरणों में हमें स्थान नहीं दिया होता तो हम आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देते। ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी प्रार्थना को ठुकरा देंगे? इतने वर्षों तक तुमने हमारी सेवा की है, इसलिए तुम पे हमें सबसे अधिक विश्वास है। किंतु गुप्त महल के बारे में भी तुमसे अधिक और कोई नहीं जानता। आप गुप्त महल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी। वहाँ का कोई भी कार्य हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपने हमें अपने चरणों में जगह दे दी, हमारे लिए इतना ही बहुत है। राजकुमारी जी, हमने आपके विश्राम में विघ्न डाला, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है कुसुमी, अब तुम जा सकती हो। प्रणाम राजकुमारी जी, ईश्वर आपको सदा खुश रखे। क्या हुआ कुसुमी, राजकुमारी जी ने तुमसे क्या कहा? बस इतना ही कहा कि उन्हें हमारी अनुपस्थिति में यहां सब कुछ बहुत सूना सूना सा लग रहा था। अब हमने रूप नगर के इस महल में भी वही स्थान प्राप्त कर लिया है जो हमने गुप्त महल में प्राप्त किया था। चलती हूं, अपना ध्यान रखना। कामिनी, ये पासा तो उल्टा पड़ गया। हमने सोचा था राजकुमारी जी अपनी पूर्व सेविका को धिक्कार देंगी, किंतु उन्होंने तो उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कोई ऐसी योजना बनाऊंगी जिससे कुसुमी तंग आकर गुप्त महल वापस चली जाएगी। कुसुमी, तुम यहाँ? तुम तो गुप्त महल में कार्य करती हो, फिर तुम किस कार्य से यहाँ आई हो? हुजूर, कुसुमी ही तो राजकुमारी चंद्रमुखी जी की एक ऐसी सेविका है जो उनका कोई भी कार्य पूर्ण करने से पूर्व चैन से नहीं बैठती। गुप्त महल से यहाँ भी हम एक महत्वपूर्ण कार्य से ही आए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि वो कार्य क्या है? क्षमा कीजिए सेना प्रमुख जी, किंतु हम ऐसा कोई भी कार्य करने नहीं आए हैं जिससे रूपनगर राज्य को किसी भी प्रकार की कठिनाई हो। सेना प्रमुख की बात का बुरा मत मानो कुसुमी, हम जानते हैं तुमने राजकुमारी चंद्रमुखी की बहुत सेवा की है और वो तुम्हें बहुत चाहती है, किंतु रूपनगर के इस महल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ करना हमारा कर्तव्य है। हम आपके कर्तव्य में कभी विघ्न नहीं डालेंगे हुजूर। हम राजकुमारी चंद्रमुखी जी को गुप्त महल के विषय में जानकारी देने गए थे। अब जिस गुप्त महल में राजकुमारी जी ने इतने वर्ष बिताए हैं, उसे इतनी शीघ्रता से कैसे भूल सकती हैं? अच्छा, तो तुम इस कार्य से यहाँ आई थी। यदि गुप्त महल की व्यवस्था में कोई कमी हो तो हमें बताओ, हम अवश्य कोई कदम उठाएंगे। शुक्रिया भुवन सिंह जी, किंतु कुसुमी के रहते आप निश्चिंत रहें, रात के अंधेरे में भी कुसुमी की निगाहें गुप्त महल के चारों ओर मंडराती रहती हैं। यदि सुरक्षा और व्यवस्था में कोई ढील होगी तो हम अवश्य ही आपकी सहायता स्वीकार करेंगे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कुसुमी। जब राजकुमारी चंद्रमुखी गुप्त महल में निवास करती थी तब एक तुम ही तो थी जो सदैव राजकुमारी के साथ एक छाया की तरह लगी रहती थी। समय हो गया है भुवन सिंह जी,
हमें और भी बहुत सारे कार्य निपटाने हैं। हमें भी आज्ञा दीजिए हजूर, हमें भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं। प्रणाम। प्रणाम। चलिए। भवन सिंह जी, कुसुमी का अचानक रूपनगर महल में आना ऐसे प्रतीत होता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, ये आप क्या कह रहे हैं सेना प्रमुख जी? कुसुमी का बिना सूचना के आना हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अवश्य वो हमसे कोई रहस्य छुपा रही है। नहीं नहीं सेना प्रमुख जी, आप कुसुमी पर व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं। कुसुमी राजकुमारी जी की सबसे विश्वास पात्र सेविका रह चुकी है और वो राजकुमारी जी के लिए कभी कोई बुरा नहीं सोच सकती। क्षमा करना भवन सिंह जी, आप कुसुमी के नेत्र को ध्यान से नहीं देख पाए। यदि आपने कुसुमी के नेत्र की भाषा पढ़ी होती तो आप हमसे सहमत होते। कुसुमी के नेत्र साफ साफ ये बता रहे थे कि वह हमसे कुछ छुपा रही है। कुसुमी के पास छुपाने लायक कुछ नहीं है सेना प्रमुख जी, वो एक सीधी सादी और सत्य वचन वाली स्त्री है। और हम ये क्यों भूल गए कि इतने वर्षों की सेवा में कुसुमी ने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम उसके ऊपर संदेह कर सकें। रूपनगर की राजनीति में कब कोई मित्र से अचानक शत्रु बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। हमारे पूर्व मंत्रीवर रणवीर सिंह और अनेक मंत्री हमारे मित्र थे, अचानक वह सबसे बड़े शत्रु बन गए। हम आपके विचारों से सहमत हैं, किंतु कुसुमी की तुलना रणवीर सिंह जैसे मंत्रियों से नहीं की जा सकती है। कुसुमी एक स्त्री है, वो हमारे विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिससे कि हमारे ऊपर रूपनगर की प्रजा को कोई हानि उठानी पड़े। आप हमसे बड़े हैं, आपके विचारों का हम सम्मान करते हैं, किंतु पता नहीं कि हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुसुमी हमारी नहीं किसी और की विश्वास पात्र है। कभी कभी मन के भीतर अपनों के लिए संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। आप कुसुमी की ओर से निश्चिंत रहिए। कुसुमी महल में आ गई है, हमें उस पर दृष्टि रखनी होगी ताकि हमारे राज्य को कोई हानि ना पहुंचा सके। जैसे आपकी इच्छा, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि कुसुमी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिससे कि हमें कोई हानि उठानी पड़े। चलिए। ये युवक कौन है? मैंने आज से पहले इस युवक को रूपनगर और रूपनगर के महल में कभी नहीं देखा। अवश्य ही ये कोई बाहर के राज्य का व्यक्ति लगता है। देखती हूँ इसकी पहचान क्या है। नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? हमारा परिचय जानने से पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुसुमी है, मैं राजकुमारी चंद्रमुखी जी की विशेष सेविका हूँ। यदि तुम राजकुमारी चंद्रमुखी की विशेष सेविका होती तो हमसे हमारा परिचय नहीं पूछती। मैं समझी नहीं हुजूर, राजकुमारी चंद्रमुखी जी की मुख्य सेविका होने से आपके परिचय का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। यदि तुम राजकुमारी चंद्रमुखी की विशेष सेविका होती तो उनकी सारी गुप्त सूचनाएं भी जानती, किंतु तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप कहना क्या चाहते हैं हजूर? मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ। हमें रूपनगर के महल में एक विशेष अतिथि का सम्मान दिया गया है और महल में रहने वाले समस्त अधिकारियों को हमारे बारे में सब कुछ पता है, किंतु तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती हो। इसलिए हमें लग रहा है कि तुम राजकुमारी चंद्रमुखी की विशेष सेविका हो ही नहीं सकती। यदि होती तो हमसे हमारा परिचय नहीं पूछती। क्या आप इस महल में एक विशेष अतिथि हैं? हाँ, तो इसमें इतने चौंकने की क्या बात है? इतने बड़े महल में एक अतिथि के आगमन पर तुम इतना चिंतित क्यों हो रही हो? हम चिंतित नहीं हो रहे हैं हजूर, हमें तो ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि इस महल में जहाँ एक उड़ते हुए परिंदे को भी कभी स्थान नहीं दिया गया, उस महल में आपको विशेष अतिथि का स्थान कैसे मिल गया? लगता है
ये आश्चर्य राजकुमारी चंद्रमुखी जी के आगमन के पश्चात ही हुआ है, जिसका पता हमें भी नहीं चल पाया। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो कुसमी को याद कीजिएगा। चलते हैं। ये कुसुमी ऊपर से जितनी ही बोली दिख रही है, अंदर से वो उतनी ही अधिक चतुर और कपटी प्रतीत होती है। ओम ह्रीं क्लीं फट, काल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट, धूम्रलोचनाय नमः स्वाहा। प्रणाम। आओ कुसमी, आओ। तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुमने राजकुमारी चंद्रमुखी को अपनी चतुराई से प्रभावित कर दिया है और पुनः उनकी सेवा में लग गई हो। तुम्हारी नेत्रों की चमक में तुम्हारी विजय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपने बिल्कुल सही पहचाना जादूगर विचित्र सिंह, क्योंकि आपको दिया हुआ वचन बहुत ही कम समय में पूरा करके हमने आपके प्रति एक बार फिर से अपनी स्वामी भक्ति प्रमाणित कर दी है। अब हम दोबारा राजकुमारी चंद्रमुखी के महल में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं, क्योंकि हमने राजकुमारी चंद्रमुखी का मन एक बार फिर जीत लिया है। हम प्रसन्न हुए। सुमी, तुम हमारी सबसे पुरानी विश्वसनीय और बुद्धिमान सेविका हो। यदि तुम न होती तो हमें राजकुमारी चंद्रमुखी की गुप्त सूचनाएं इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती। अब तुम्हें एक और विशेष कार्य हमारे लिए करना है। तुम्हें राजमहल की राजनीतिक गतिविधियों पर विशेष दृष्टि रखनी होगी। तुम्हें राजमहल की राजनीतिक गतिविधियों पर विशेष दृष्टि रखनी होगी और हमें वहां की प्रत्येक सूचना से अवगत कराना है। अब इस कार्य में अधिक विलंब नहीं होना चाहिए कुसुमी, क्योंकि हमें शीघ्रातिशीघ्र राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करके उसे अपनी महारानी बनाना है। कुसुमी सदा एक तीर से दो शिकार करती है जादूगर विचित्र सेन। हमने ना सिर्फ राजकुमारी चंद्रमुखी की दोबारा सेविका बनने में सफलता हासिल की, अपितु हमारी दृष्टि ने रूपनगर के महल में विश्राम कर रहे कुंवर सूर्य प्रताप सिंह को भी खोज निकाला। क्या? परंतु कैसे? कुंवर सूर्य प्रताप सिंह को तो रणवीर सिंह की कारागार में बंदी बना लिया गया था, फिर वो रूपनगर के महल कैसे पहुंच गया? हमारा वो दास जिसे हमने मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर लाने का कार्य सौंपा था, वो महल कैसे पहुंच गया? कैसे? इसका पता भी हम लगा लेंगे जादूगर विचित्र सेन। राजकुमारी चंद्रमुखी ने सत्ता की बागडोर संभालते ही बहुत उलटफेर कर दिए, किंतु अभी हमें ये भय सता रहा है कि यदि कुंवर सूर्य प्रताप सिंह ने आपके बुरे कार्यों के विषय में राजकुमारी चंद्रमुखी को बता दिया तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अब सूर्य प्रताप सिंह राजकुमारी जी के विशेष अतिथि बन चुके हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं कुसुमी, क्योंकि कुंवर सूर्य प्रताप सिंह कभी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमने अपनी जादुई शक्तियों से उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन लिया था। वो अपने जीवन के अंत समय तक हमें गुरुदेव समझकर पूजता रहेगा, इसलिए निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। किंतु जब हम सूर्य प्रताप सिंह से बात कर रहे थे तो हमें नहीं लगा कि उस पर किसी भी प्रकार की जादुई शक्तियों का प्रभाव है। वो हमसे बड़ी निडरता से बात कर रहा था, कहीं आपकी जादुई शक्तियों का असर समाप्त तो नहीं हो गया?
नहीं कुसुमी, नहीं। हमारी जादुई शक्तियों का प्रभाव तभी समाप्त होता है जब हम चाहते हैं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि राजकुमारी चंद्रमुखी ने सूर्य प्रताप सिंह को राज अतिथि बनाकर अपने महल में शरण दे दिया है, क्योंकि अब हम अपने भक्त सूर्य प्रताप सिंह से अपना मन चाहा कार्य करवाएंगे। तुम तत्काल महल जाओ और हमारे भक्त की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखो, और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त हो हमें तत्काल सूचित करो। जाओ। आपकी आज्ञा का हम अवश्य पालन करेंगे जादूगर विचित्र सेन। चलते हैं। लगता है मंगू अपने बुरे दिन आने वाले हैं। यदि हमने सरकार का साथ नहीं छोड़ा तो हमें बलि का बकरा बना दिया जाएगा और हमारे सरकार स्वयं शूली पर चढ़ जाएंगे और उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। वो कैसे चंगू? मुझे भी तो बताओ। वैसे भी आजकल तुम्हें न जाने क्या हो गया है, जब देखो तब अपने इस बदसूरत मुंह से हमेशा बुरे ही बुरे समाचार सुनाते हो। तो तू कौन सा सुंदर है? भगवान ने मुझे कद से अठन्नी बनाया है, तो तू भी चवन्नी से छोटा ही है ना। यदि मैं और ऊंचा हो जाता तो राजकुमारी चंद्रमुखी मेरे अलावा किसी को भी नहीं देखती। अरे मूर्ख, ये बात अपने मूर्ख सरकार के सामने मत कह देना, नहीं तो वो तुझे कच्चा चबा जाएंगे। और तुझे पता नहीं, वो राजकुमारी चंद्रमुखी जी से प्रेम करते हैं और ये तो उनकी पुरानी आदत है। जिस भी सुंदर कन्या को देखा उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, भले ही आज तक किसी सुंदर कन्या ने उनके भयानक मुंह पर घास तक नहीं डाली है। हाँ, मुझे आज तक याद है, एक बार जंगल में विचरण करते वक्त एक वनमानुष महिला उनके प्यार में अवश्य पड़ गई थी। खैर ये सब छोड़ो, जो भाग्य में होगा सो होगा। हमें राजकुमारी चंद्रमुखी जी के समीप जाने का अवसर ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। इसी बहाने राजकुमारी चंद्रमुखी जी की सुंदर सुंदर दासियों के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। क्यों चंगू? वाह मंगू, क्या दूर की कौड़ी लाए हो, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यदि राजकुमारी जी ने हमें अपना दास बना लिया तो हम अपना जीवन सुख से बिताएंगे और हमारे भिक्षु सरकार से छुटकारा पाएंगे। हाँ चंगू, चलो अब चलकर देखते हैं, हो सकता है उनसे हमारी मुलाकात हो जाए। चलो चलो। ये कौन सुंदर सजीला व्यक्ति अपने महल के अतिथि कक्ष में घूम रहा है? सूरत से तो युवराज लगता है। लगता तो युवराज है, लेकिन हमारे महल में किसी युवराज का क्या काम हो सकता है? चलो उससे ही पूछते हैं, किंतु याद रखना अपने आप को कभी कम नहीं समझना। चलो चल। कौन है आप? बड़ा विचित्र महल है, मनुष्य की ध्वनि तो हमें सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपरिचित, शीश झुका कर देखो, हम यहाँ नीचे खड़े हैं। तुम दोनों हो कौन? दिखने में तो कुछ कुछ मनुष्य की भांति लग रहे हो किंतु तुम मनुष्य नहीं हो, किसी और ग्रह के प्राणी हो, है ना? हमारे सामने संभल कर बात करो, तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? हम लोग राजकुमारी चंद्रमुखी जी के मुख्य दूत हैं, वो हमसे पूछे बगैर कोई कार्य नहीं करती। अब बताओ
तुम कौन हो और हमारी अनुमति के बिना किसने आपको अतिथि कक्ष में रखा है? यदि हमने नहीं बताया तो आप दोनों क्या करोगे? चंगू, बताओ हम क्या करेंगे? मंगू को अधिक क्रोध मत दिलाओ, शीघ्र अपना परिचय दो, नहीं तो आप संकट में आ सकते हैं। ये रूपनगर है, यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। यदि ऐसी बात है हजूर, तो हम अपना परिचय अभी दे देते। अब हमने अपना परिचय तो दे दिया, अब आप ये बताइए कि तुम दोनों को यहाँ किसने भेजा है? किसी ने नहीं हुजूर, हम यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारी नजर अचानक आप पे पड़ी तो हम चौंक गए और ये हम पूछने की भूल कर बैठे कि आपको किसने अनुमति दी। आज के पश्चात हम किसी मनुष्य से तो क्या किसी पशु से भी उसका परिचय नहीं पूछेंगे। हम पूर्व दिशा के एक राज्य के युवराज हैं। अब बताओ तुम दोनों कौन हो? हम तो हमारे मूर्ख सरकार धुआं सिंह जी के निर्धन दास हैं। धुआं सिंह, ये किस विचित्र जीव का नाम है? धुआं सिंह, ये किस विचित्र जीव का नाम है? पता नहीं हुजूर, आज तक तो हमने मनुष्य समझकर उनकी सेवा की है, पर हमें आज तक पता नहीं चला कि वह मनुष्य है या पशु। अरे मूर्खो, अकल के अंधो, कहाँ थे तुम दोनों? कब से ढूंढ रहा हूं मैं? धुआ धुआ खेलो प्यार का जुआ, ये कौन है जिससे तुम बात कर रहे हो? सरकार, हम तो इन अतिथि राज्य का परिचय पूछने आए थे, लेकिन हाँ, अब भूल कर भी इनसे इनका परिचय मत पूछना। हम स्वयं किसी युवराज से कम नहीं है, हम किसी से उनका परिचय नहीं पूछते। तुम स्वयं बताओ ये किसकी अनुमति से यहाँ आए हैं, बोलो। तो आप हैं नन्हे मूर्खों के सरकार धुआं सिंह। जैसा तुम्हारा नाम है बिल्कुल वैसी तुम्हारी शक्ल भी है। सची, ठीक कह रहे हैं आप, हम कैसे लग रहे हैं? सरकार, बुरा मत मानना, आप वैसे हैं तो बहुत सुंदर, लेकिन इन युवराज से थोड़ा फीके हैं। चुप रख, इसलिए कि हम नाते नहीं हैं। जब हमारे पिताश्री अपने हाथों से हमें नलाएंगे ना, तो हम इनसे भी अधिक सुंदर नजर आएंगे। ये आपने ठीक कहा धुआं सिंह जी, पहले आप जाकर नहा कर आइए, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने सुंदर हैं। ठीक है, हम स्नान करके आते हैं। हम यूं आते हैं और अभी आए, नहीं नहीं, हम अभी गए और अभी आए। चलो चंगू मंगू जी, हम पिताश्री को बोलूंगा नहाए, अच्छी तरह नहाए, तुम दोनों को भी नहा देंगे। चलो चलो पिताश्री के पास, चलो 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 चलो। पता नहीं रूपनगर के इस महल में ऐसे न जाने कितने विचित्र विचित्र जीव मिलेंगे, पर जब तक हमें हमारे भाई विजेंद्र प्रताप सिंह नहीं मिल जाते, तब तक इन्हें झेलना ही पड़ेगा। चंद्रमुखी के फूल का क्या रहस्य है? क्या वास्तव में किसी ऐसे मायावी फूल का कोई अस्तित्व है? वनराज जिस फूल को प्राप्त करने निकला है, यदि वो फूल ही प्राप्त नहीं हुआ तो वनराज का क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब केवल राजकुमारी चंद्रमुखी ही चंद्रमुखी के किसी विचित्र फूल का रहस्य बता सकती है। राजकुमारी चंद्रमुखी जी को सेविका नंदिनी का अभिनंदन स्वीकार हो। कहो क्या समाचार है नंदिनी? समाचार यह है, हमारे राज अतिथि आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भीतर आने की अनुमति दे दें। वो हमारे प्रथम राज अतिथि हैं, उन्हें तत्काल भेजो। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी जी। अचानक इस समय अतिथि युवराज को क्या कार्य आ गया जो वो हमसे मिलने चले आए?
माननीय प्रधानमंत्री।